मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में नगर निगम चुनाव नामांकन वापसी के बाद अब प्रत्याशी चुनावी रण में उतर आए हैं। इसी के चलते इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी विनीतिका दीपू यादव के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इंदौर में नगर निगम चुनाव का महासंग्राम। वार्ड क्रमांक 10 से चुनावी रण में उतरी विनीतिका यादव। विकास के दम पर किया चुनाव जीतने का दावा। वार्ड क्रमांक 10 के विकास को बताया अपनी प्राथमिकता। कई क्षेत्रों की बात करूं, बदल के बढ़ते से हमारी काकी आई है, वहां भी पानी नहीं रहता था, बोरिंग करा है। कई जगह जैन नगर से इंदौर नगर निगम चुनाव का महासंग्राम अब अपने अंतिम दौर में पहुँच गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए चुनावी रण में उतर आए हैं। बात करें अगर इंदौर के वार्ड क्रमांक 10 और कांग्रेस के गढ़ की, तो एक बार फिर से विनीतिका दीपू यादव ने मैदान संभाल लिया है। बुधवार की शाम को विनीतिका दीपू यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने फीता काट कर किया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के पहले दीपू यादव ने कार्यकर्ता और मतदाताओं को संबोधित करते हुए वार्ड क्रमांक 10 में हुए विकास कार्यों का बखान करते हुए एक बार फिर से मतदाताओं से कांग्रेस को जिताने की अपील की। कई क्षेत्रों की बात करूं, बदल के बट्टे से हमारी काकी आई है, वहां भी पानी नहीं रहता था, बोरिंग कराया। कई जगह जैन नगर से आया, छोटी कुमारखाड़ी से आया, हमारे गमले वाली भाभी के वहां पर भी, मच्छी वाली भाभी के वहां भी। कई जगह की बात करूं मैं तो हर जगह व्यवस्था करी है। इन 10 सालों में हमने क्षेत्र के अंदर ऐसी भी कोई गलियां नहीं रही जो कच्ची हो, जो कच्ची नाली हो इस क्षेत्र में ऐसी कोई गलियां नहीं रही। संजू भैया के लिए हम विगत 3 साल पहले आए, आपके हाथ फैलाया, आपसे वोट मांगा कि संजू भैया को विजय बनाओ, एक के साथ एक फ्री मिलेगा आपको। आपने वो विश्वास से संजू भैया को विधायक बनाया कि नहीं बनाया? तो हम और संजू भैया आज पुनः वो सर आया है, पुनः वो दिन आया है हमारे कले कि आज इंदौर शहर के अंदर हम नगर निगम के चुनाव महापौर में संजू भैया को विजय बनाते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर कई विकास अधूरे रह गए हैं, कई बुजुर्गों के सपने अधूरे रह गए हैं। आज भाऊजी बैठे हैं, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामलाल यादव जी के सपने थे कि इस क्षेत्र के अंदर अस्पताल बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, स्कूल बने, आईटीआई जैसा कोई एक ऐसे संस्था बने जिससे हमारे बच्चों के लिए रोजगार मिले। ऐसे आज हमारे बीच में माननीय अरुण यादव जी पधारे, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बुरहानपुर से आए हैं आपके लिए स्पेशल, बुरहानपुर से चलते हुए आए हैं और उन्हें मालूम था क्षेत्र के अंदर मुझे आना है। मैं हमारे साथ में मेहरुद्दीन जी आए बाल समझ से, उनका भी स्वागत। तो साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था आपकी विकास की। मुझे हमेशा पापा बोलते थे कि बेटा ये जनता नहीं है परिवार है, ये जनता नहीं है परिवार है। हमारे मोहन काका बैठे हैं, मोहन काका से पूछो जब छोटी कुमार खाड़ी भैरव महाराज बैठे थे क्या स्थिति थी। तो हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं आपको कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विनीतिका यादव ने क्षेत्र में विकास की कई इबारत लिखी है, जिसके चलते उन्हें मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला को लेकर कहा कि इंदौर में बदलाव का वक्त है और इस बार निगम चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। आदरणीय रामलाल यादव जी के नाम से जाना जाता है।
विकास के काम इस एक नंबर विधानसभा 10 नंबर पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर लोगों ने मौका दिया और इस क्षेत्र की जनता ने उनको अवसर दिया और पूरे परिवार ने विकास को लेकर बहुत सारे नए आयाम इस क्षेत्र में स्थापित किए। और आज चूँकि इलेक्शन होना है हमारे यहाँ 6 तारीख को, सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विनीता यादव जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से, और मेयर के लिए संजय शुक्ला जी को कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही काफ़ी पहले से उनका नाम घोषित किया था। और एक नया वातावरण पूरे शहर में देखने को मिलता है, देखने को नहीं। अगर हम इस बार एनालिसिस करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन के मामले में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे थी। और इंदौर का तो हमने पिछले 6 महीने पहले से डिक्लेयर करे संजय शुक्ला जी और जिस तरह का सपोर्ट और लोगों का सहयोग उनको मिल रहा है, स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस शहर का कितनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहा है। अब उम्मीद तो पूर्ण कर रहे हैं, अच्छी जीत इस इलाके से मिल रही है। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 की कांग्रेस प्रत्याशी विनीतिका यादव ने बताया कि क्षेत्र में पानी, सड़क और गार्डन सहित अन्य विकास कार्यों की सौगातें दी हैं और आने वाले 5 सालों के लिए उन्होंने अपना रोड मैप भी बता दिया है। ड्रेनेज, पानी, लाइट सब दे चुके हैं, एक हम जिम का भी दे चुके हैं, योग केंद्र भी दे चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्षेत्र में कहीं थोड़ी बहुत जगह तो हम छोटे छोटे बगीचों का निर्माण करें, एक बफर जोन बनाए, एक सामुदायिक भवन बनवाएं, ऐसे कई और छोटी छोटी एक लाइब्रेरी बनवाएं हैं जिनको हम आगे देना चाहते हैं। अस्पताल की सुविधाएं क्षेत्र को मिली थी लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया, आपको लेकर नहीं शुरू हुआ हो गया है लेकिन पूर्ण तरह से सुविधा नहीं है। अभी हम उसको चाहेंगे कि पूर्ण सुविधा मिले जिससे हमारे परिवार के हमारे वार्ड के लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़े। अगर कोई बड़ी माता से लेकर और जो नाके तक मेरा वार्ड है या आगे सावे रोड तक के लोग हैं वो सभी हॉस्पिटल का उपयोग कर सकते हैं, सुविधा हो सकती है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 10 में विनीतिका यादव का मुकाबला भाजपा पार्षद प्रत्याशी संतोष गौर से है। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।